भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम की जयंती पर नई शिक्षा नीति के खिलाफ NSUI ने लॉन्च किया शिक्षा बचाओ देश बचाओ अभियान। NSUI राष्ट्रव्यापी इस अभियान के तहत पूरे देश में छात्रों के बीच जाकर कार्यक्रम करेगी। कांग्रेस ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि मोदी सरकार गरीब बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, हमारा ये मानना है कि ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी सबसे पहले लाई कब गई, ये हम और आप सब ये जानते हैं। ये तब लाई गई जब मैं और आप हम लोग मूल सुविधाओं के लिए दर बदर हो रहे थे। वो मूल सुविधाएं चाहे ऑक्सीजन सिलेंडर हो, वो मूल सुविधाएं चाहे कहीं पर दवाई हो, कहीं पर हॉस्पिटल में हमें एडमिशन मिल जाए। जब पूरा देश कोरोना से लड़ रहा था, जब सारे सरकारी संसाधन, सारे हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बंद पड़े थे बिना किसी चर्चा से, आप छोड़िए ना केवल छात्रों से चर्चा की गई, ना कहीं पे राज्यसभा में और लोकसभा में चर्चा की गई, और मैं कहूंगा कि चोरों की तरह जिस तरीके से चोर जो है रात के अंधेरे में आके चोरी करता है, उस तरीके से चोरों की तरह पिछले दरवाजे से इस नई शिक्षा नीति को लाया गया। इस नई शिक्षा नीति का हम विरोध करते हैं। 2 साल हम लोग कोरोना से लड़ते रहे, हमारे कॉलेजेस और हमारे कैंपसेस बंद रहे, सब कुछ बंद रहा, तो कई एग्जाम्स छात्रों के हुए नहीं, और कई अगर हुए भी तो क्योंकि उस छात्र के घर पे कोई बीमार था या वो खुद बीमार था तो वो परीक्षा अगर नहीं दे पाया, तो कम से कम दो साल का जो एज क्राइटेरिया में छूट है, वो चाहे UPSC के एग्जाम हो या अन्य एग्जाम हो, उनमें छात्रों को मिलनी चाहिए, क्योंकि उसमें हम छात्रों की या किसी भी युवा साथी की कोई गलती नहीं थी कि कोरोना आ गया। आज जिसकी जो UPSC उस समय नहीं दे पाया क्योंकि कोरोना था 2 सालों में, उनकी एज लिमिट जो है वो क्रॉस कर चुकी है। तो सरकार को इसके ऊपर जो है वो सोचना चाहिए, और इसमें मिनिमम 2 साल का जो एज रिलैक्सेशन है वो हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो है वो देना चाहिए। ये NSUI की हमारी 4थी मांग है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में आई है, तब से फेलोशिप और स्कॉलरशिप जो है वो उसमें भारी गिरावट जो है इस सरकार के समय में आई है। निजीकरण को इन्होंने जो है बढ़ावा दिया है। मैं कहूंगा कि 2014 में ही चाहे IITs हो, MTech हो, जो हमारे सरकारी संसाधन थे जो सरकारों ने इस लहज से बनाए थे कि वहां पे किसान का बेटा पढ़ पाए, वहां गरीब का बेटा पढ़ पाए, ऐसे इंस्टीट्यूशन की फीस जो है वो 4 गुना बढ़ाई गई। कि ये जो गूंगी बहरी सरकार है, जो सत्ता के नशे में बिल्कुल चूर हो चुकी है, जो हमारे मुद्दों को मुद्दा तक समझने में एक चर्चा तक नहीं कर रही, इनकी नींद को तोड़ने का काम जो है वो NSUI करेगी। इसी को लेते हुए आज की हमारी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, और शिक्षा बचाओ देश बचाओ, ये हमारा कार्यक्रम का नाम भी जो आप सोच रहे हैं कि क्योंकि शिक्षा बचेगी तो ही हमारे छात्र बचेंगे, युवा बचेंगे, तो ही हमारा देश बच पाएगा। तो हमारा ये प्रण है कि हम इस अहंकारी सरकार से लड़ेंगे और इस देश में शिक्षा बचाने का काम जो है वो करेंगे। धन्यवाद।